देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस इससे ज्यादा लोकतंत्र का मजाक नहीं हो सकता। बीजेपी को शिकस्त देने के लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस वोट आएगा उसमें हम तीनों पार्टी साथ हैं। विधानसभा के पटल पे हारेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 टीवी। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। कौन सही कौन गलत, सवाल यही है, क्योंकि महाराष्ट्र में नई सरकार पर रार जारी और अब ये रार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखी गई और अब मामला कल तक टल गया है। लेकिन सवाल यह है कि जो विरोध हो रहा है नई सरकार बनाने को लेकर, ये कितना सही है कितना गलत है, कौन पार्टी ठीक है और कौन पार्टी सही है। और अब जिस तरह से दलीलें यहां पर रखी गई उसके बाद कांग्रेस नेताओं का क्या रिएक्शन आया वो आपको सुनवाते हैं। जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग हुई कि कोशिश हुई है, इनके पास बहुमत नहीं था उस पर, इसलिए इनको समय नहीं दिया जाना चाहिए और तमाम वो नोटिंग्स भी सुप्रीम कोर्ट को मंगानी चाहिए, चाहे जो गृह मंत्रालय की हैं, कि क्या कारण था, ऐसी कौन सी स्थिति बन गई थी जो कि रात्रि में ही यह सब कुछ करना आवश्यक था। और इस सरकार को कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है फडणवीस सरकार को बने रहने का, को समय नहीं दिया जाना चाहिए MLAs को अगवा करने का, खरीद फरोख्त का करने का, जो प्रजातंत्र का अपमान होगा। इस पर जितनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय दे, शक्ति परीक्षण हो जैसे कि परंपरा है, ताकि प्रजातंत्र को जो चोट पहुंची है उसको ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कल सुबह 10:30 बजे दोबारा सुनवाई होगी। बीजेपी का वकील जिस तरीके के आर्गुमेंट्स दे रहे हैं वो टैक्टिक है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनको मिल जाए। कभी कहते हैं कि आप असेंबली की, हाउस की इज्जत कीजिए सुप्रीम कोर्ट, कभी कहते हैं इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, कभी कहते हैं 2-3 दिन का टाइम दीजिए हमें जवाब देने के लिए। देश देख रहा है कि बीजेपी सिर्फ वक्त चाहिए, उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। हमारा कहना है कि अगर आपके पास मेजॉरिटी है तो आपको किस चीज के लिए वक्त चाहिए। कोर्ट देवेंद्र फडणवीस जी ने और अजीत पवार जी ने गवर्नर महाराष्ट्र को दिया था, जिसके आधार पर उन्होंने उन्हें सरकार बनाने को निमंत्रण दिया है, उसे अदालत के सामने कल 10:30 बजे पेश किया जाए। कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और बाहर और उनके साथ शिवसेना, तीनों के संयुक्त पेटिशन जो कोर्ट में दायर किया है, हमने अदालत से ये दरख्वास्त की है कि फौरी तौर से एक फ्लोर टेस्ट बहुमत साबित करने के लिए ऑर्डर किया जाए, ताकि ये साबित हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार जी द्वारा जो सरकार बनाई गई है वो एक नाजायज सरकार है जिसके पास बहुमत नहीं। तो महाराष्ट्र का दंगल दिल्ली पहुंचा और कांग्रेस नेताओं का रिएक्शन आपने सुना कि किस तरह से यहां पर कहा गया कि बहुमत जल्द से जल्द साबित करवाया जाए और अब समय नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं बीजेपी का इस पर क्या रिएक्शन है वो भी आप सुन लीजिए। बहुत अच्छा निर्णय है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो लोग कोर्ट में गए हैं वो तो अपनी बौखलाहट में गए हैं। एक महीना हो गया रिजल्ट आए हुए, कोई सरकार नहीं फॉर्म हो रही है और NCP के नेता, जो नेता पद पे जो अजीत पवार जी है, उन्होंने ये लेटर दिया तो उनको लीगल राइट है, वो जो चाहे वो जो भी देना है, जिसको समर्थन उन्हीं को देना है। और इसमें 30 तारीख को फ्लोर पे टेस्ट होना है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी बोला है कि आप जवाब दो, तो इसका जवाब तो निश्चित रूप से जिनको, जिनसे मांगा गया है वही देने के अधिकारी हैं। वी बिलीव दैट वन थिंग हैज कम अप वेरी क्लीन एंड क्लियरली, दैट कांग्रेस, NCP एंड शिवसेना's डिमांड हैज बीन नॉट एक्सेप्टेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, रादर
Shivasena, Congress and NCP have fall flat on their face. Time and again before the Supreme Court, Sibbal ji, Singhvi ji and all the leading lawyers of Shivasena, Congress and NCP was pleading to the Honorable Supreme Court that immediate now, today, the floor test of this government needs to be taken immediately. NCP ke neta keh rahe the ki sare vidhayak hamare saath hain. Yadi sare vidhayak unke saath hain, sivaye 3-4 ko chhodkar, फिर अजित पवार जी के पास जाकर के मिलने की क्या आवश्यकता है किसी उनके नए निर्वाचित नेता को? ये कहीं ना कहीं ये उनके द्वारा ये जो सरकार बन गई है ये टिकेगी, ये एहसास सबको हो गया है और किसी न किसी प्रकार अभी इस रोमांचक नाटक को आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको मालूम है एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ है और यह सरकार स्थायी सरकार के रूप में सिद्ध होगी, अपनी बहुमत सिद्ध करेगी और 5 साल चलेगी। तो महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रमों के बीच रविवार को यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी रही और अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को तलब किया है और अब कल सुबह 10:30 बजे का इंतजार यहां पर रहेगा कि जो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेज मांगे हैं, जो कागज मांगे गए हैं जिनके आधार पर रातों रात ये घटनाक्रम तय हुआ, क्या वो पेश कर पाएगी बीजेपी या फिर ये कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी लगातार विरोध कर रही है उसको क्या राहत मिलेगी? और इसी पर हम अब चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ हमारे खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे मैं आपको इंट्रोडक्शन करा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी से संदीप द्विवेदी जी हैं, वहीं कांग्रेस से अभिषेक त्रिपाठी, परविंदर सेठी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे बीच हैं, प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, संजय द्विवेदी जी स्काइप से हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिवसेना से हैं, सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल, सबसे पहले मैं संदीप जी आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आपने यहाँ पर सुना कांग्रेस नेताओं ने किस तरह से रिएक्शन यहाँ पर दिया। कल तक काफी एक्टिव आप दिख रहे थे, रिएक्शन पर रिएक्शन आ जा रहे थे, लेकिन आज की अगर बात करें तो आज इतनी शांति क्यों? क्या इस शांति के पीछे एक और तूफान, रातों रात कोई और बड़ा ऐलान आप लोगों की तरफ से? नहीं, देखिए इसमें कहीं किसी भी तरह की शांति नहीं है जी। अगर आप देखिए तो लगभग एक महीने की गहमा गहमी करने के बाद 3 दल एक साथ होके एक लेटर टाइप नहीं कर पाए समर्थन का, और वो अगर आके अब बड़े बड़े बयान बहादुर बने तो मुझे लगता है कि बयान बहादुर बनने से ज़्यादा जरूरी ये है कि आप जनता के बीच में कितना एक्टिव होके काम करते हैं जिससे कि आपको बयान बहादुरी ना करना पड़े जब आपकी फजीहत हो जाए। जिस तरीके से शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी से लगभग एक महीने की पूरी नोरा कुश्ती हुई और एक दो लाइन का लेटर नहीं लिख पाए या कहिए कि आपस में इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम डिसाइड नहीं हो पाया, वो आज ये कहें कि ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, जल्दबाजी में हुआ, रात में हुआ, दिन में हुआ, तो मुझे लगता है ये सब आधारविहीन तथ्य हैं। देवेंद्र फडणवीस जी ने तब शपथ ग्रहण की जब उन्होंने कहीं ना कहीं राज्यपाल को दो पार्टियों के समर्थन पत्र बाकायदा सौंपे जिसमें MLAs के सिग्नेचर थे। मुझे ये तीनों दल बता दें क्या इन्होंने समर्थन पत्र दिया, क्या हम आपस में समर्थन का मसौदा हमने तैयार कर लिया और ये हमारे CM जो आपको दस्तावेज सामने रखने हैं वो रखे जाएंगे आपकी पार्टी की तरफ से? क्योंकि यहाँ पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं झूठ था और जब वो पत्र सामने आएगा तो पर्दा उठ जाएगा सब झूठ और गलत से। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप कर्नाटक में भी देखिए, कर्नाटक में भी कोर्ट ने कहीं ना कहीं इंटरफेयर किया था और येदियुरप्पा जी की सरकार गई थी, फिर क्या हुआ, खुद जो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में मुख्यमंत्री बने थे उन्हें खुद बाद में आके ये कहना पड़ा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने कांग्रेस के समर्थन में सरकार बनाई और मैं बहुत घुटन महसूस कर रहा हूं। अभिषेक जी, आप क्या कहेंगे यहाँ पर? आपने सुना कि किस तरह से जो बीजेपी के नेता वो कह रहे हैं कि बौखलाहट में गए हैं, कोर्ट का सारा बौखलाहट में लिया जा रहा है। नहीं देखिए, बौखलाहट नहीं है, इसके पहले भी न्यायालय आखिरी उम्मीद होती है। जब कहीं से न्याय नहीं मिलता है और चूंकि जब सत्ताधारी जो लोग हैं वो एक पार्टी की तरह काम कर लेते हैं, एक पार्टी का एजेंडा चलाने लगते हैं, ना संविधान का एजेंडा ना चला के, तो न्यायालय आखिर उम्मीद है। हम न्यायालय गए, न्यायालय ने कल का समय दिया। इसके पहले जैसा कि भाई ने बताया कि कर्नाटक में हुआ था तो कर्नाटक ने तो कोर्ट ने उन्हें अयोग्य ठहरा दिया और उत्तराखंड में हरीश रावत जी की सरकार चली गई थी, वहां इन्होंने क्या किया वो भी सबके सामने है, वहां कोर्ट ने हरीश रावत जी के पक्ष में फैसला दिया और न्याय की जीत हुई, तो उम्मीद है कि कल भी न्याय की जीत ही होगी।
जी बिल्कुल संजय जी, आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से अब कल तक पूरा मामला टल गया है, 10:30 बजे क्या होता है ये तो देखना रहेगा, लेकिन साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो विरोध हो रहा है बौखलाहट में हो रहा है, एक महीने का बाद आत्मा के देश में एक महामारी की लेकिन सर आपका क्या हुआ, सत्ता पाने के लिए जो नई डगर आपने अपनाई, मंजिल पाने के लिए मुश्किल पड़ती दिख रही है अरे आप ये बता दीजिए कि आप जब इलेक्शन में गए थे तो क्या आप जनता के बीच में वादे लेके गए थे, क्या यही आपने जनता से कहा था कि हम इस कांग्रेस के साथ समर्थन करेंगे जो हिंदुओं का विरोध करती थी इलेक्शन के पहले, जो राम मंदिर के लिए सबसे पहले ईंट लेके खड़े थे, आज कहां चला गया वो राम मंदिर का मुद्दा? आप जहां कहते थे कि राम मंदिर के नाम पे हम उस पार्टी के साथ खड़े होंगे जो इसका निर्णय कराएगी, आज कहां गया आपका मुद्दा? अरे पुत्र मोह में धृतराष्ट्र मत बनाइए संदीप जी, ये बात तो आप लोगों पे भी लागू होती है, संदीप जी ये बात तो आप पर भी लागू होती है, बिल्कुल संजय जी मैं आपके पास आऊंगी, संदीप जी जो आप इस सवाल खड़ा कर रहे हैं ये बात आप पर भी लागू होती है, इसी सवाल से मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन प्रेम कुमार जी मैं आपसे समझना चाहती हूँ फिलहाल जो स्थिति और लगातार महाराष्ट्र में जो सियासी घटनाक्रम दिन पर दिन जो है बदलते जा रहे हैं, और अब ये पूरी रात सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो माना है कि राज्यपाल को हक है सीएम चुनने का, लेकिन अब जिस तरह से सभी पक्षों को तलब किया गया और दस्तावेज मांगे गए हैं, किस और बढ़ेगा अब अगला ये जो पूरा मामला है? देखिए आसिमा जी, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जाना एक बहुत अच्छा ऑप्शन मेरे ख्याल से आज के राजनीतिक परिदृश्य में नहीं था, क्योंकि देखिए 7 दिन इंतजार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, एक बात तो यह है। दूसरा है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाते भी हैं तो उसमें वो मुद्दे महत्वपूर्ण होने चाहिए थे कि एक सरकार जो बना दी गई है गलत तरीके से बना दी गई है, लेकिन इसके बजाय ये मांग करना कि 24 घंटे में आप करा दीजिए फ्लोर टेस्ट या और कम समय में करा दीजिए, इसका बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं लगता है। फिर भी चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया इस केस को, तारीख दी और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया, इसका मतलब केस में या बात में दम है, ये बात भी साबित होती है जी। ये एक संवैधानिक स्थिति है। दूसरी बात है कि जो राजनीतिक परिस्थिति हुई, निश्चित रूप से देखिए आज बीजेपी के लोग जरूर कह रहे हैं कि एक महीना का समय बर्बाद कर दिया लोगों ने चिट्ठी देने में, सच तो यह है कि 17 दिन बीजेपी ने बर्बाद किए। आप 17 दिन तक बीजेपी सेना जिनको की जनादेश था, इन लोगों ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया, या जब राज्यपाल ने बुलाया तो उनके पास संख्या नहीं थी। उसके बाद जब शिवसेना को समय दिया गया 24 घंटे का समय, एनसीपी को वो पूरा समय भी नहीं मिला, और कांग्रेस को तो समय ही नहीं लेकिन दिया। आपको नहीं लगता कि बैठकों पर बैठ के इसमें भी इन तीनों दलों ने काफी समय बर्बाद किया अपना? कब समय, वही तो मैं बता रहा हूँ कि समय जो बर्बाद किया, ये बात जो बोली जा रही है ये तो मिथ्या है ना। देखिए जब तीनों दल 17 दिन ऐसे बर्बाद हो गए, 29 दिन में 17 दिन बर्बाद हो गए, 12 में कुछ दिन राष्ट्रपति शासन रहा, कुछ यानी कि जितना टाइम उनको चाहिए था उतना टाइम कहीं ना कहीं उनको सिर्फ 24 घंटे शिवसेना को मिले, सिर्फ 24 घंटे एनसीपी को मिले, कांग्रेस को वो भी नहीं मिले, और 48 घंटे बीजेपी को मिले, यही तो समय दिया गया। उसके बाद तो राष्ट्रपति शासन था, गृह मंत्री अमित शाह जी बोले थे कि हमने पूरा समय दे दिया है 6 महीना तक, आराम से बनाइए सरकार, ये थी बात। तो यहाँ तो जल्दबाजी की कोई बात ही नहीं थी, जल्दबाजी तो अचानक से पैदा की गई रातों रात प्रधानमंत्री जी, यानी कि जो राज्यपाल है वो केंद्र के निर्देश पे कहीं ना कहीं चल रहे थे।
देखिए प्रधानमंत्री जी को वो पावर इस्तेमाल करना पड़ा जिस पावर के तहत वो अंतरराष्ट्रीय समझौते वगैरह के समय में उसका इस्तेमाल किया जाता था कि कैबिनेट को नहीं बुलाया जा सकता तो तत्काल ले लीजिए प्रधानमंत्री डिसीजन उनके व्याप में बाद में कैबिनेट पास कर देगी, उस धारा का इस्तेमाल करके रात में ये काम करना पड़ा। तो ये तो घोर अनर्थ हुआ है ना, ये तो गलत हुआ है कि सारी चीजें जो है रातों रात हुई, राष्ट्रपति, राजभवन और प्रधानमंत्री, इवन कैबिनेट तक को भी नहीं पता, कुछ लोग इकट्ठा हुए और रात में एक सरकार बना दी गई सुबह सुबह। तो ये जो घटना घटी है इसकी जल्दबाजी लोगों को समझ में नहीं आ रही है। सच और गलत तो बहुमत टेस्ट में हो जाएगा, उसकी भी चीजें घटनाक्रम बड़ी है। एनसीपी जिस बहुमत का दावा किया गया है वो बहुमत उसी दिन शाम होते होते खत्म होती दिखी। शाम में एनसीपी की मूल पार्टी में 51 लोग विधायक, मान लीजिए संख्या में आप इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 36 तो अजीत पवार के साथ नहीं थे, जो एंटी डिफेक्शन लॉ को से बचते हुए जरूरी होगा मर्ज करना बीजेपी में, क्योंकि बिना बीजेपी में मर्ज किए हुए 36 विधायकों का अजीत पवार तो उप मुख्यमंत्री भी बने नहीं रह सकते। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील जी आप क्या कहेंगे, किस तरह से देखते फिलहाल जो स्थिति है? देखो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है, कल तक का समय दिया है, जो राजनीतिक परिदृश्य चला पिछले दो दिन से और जो रात में हुआ वो थोड़ा सा गलत हुआ। बीजेपी को जो समर्थन दिया गया एनसीपी की तरफ से, या तो उस पर वास्तव में विश्वास के साथ सुदृढ़ तरीके से आप थे तो आराम से भव्य तरीके से आप शपथ ग्रहण समारोह करते, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा था जिसमें राजभवन भी थोड़ा सा भ्रमित था और ये भी अपने ऊपर अटल विश्वास नहीं थे, इसलिए जल्दबाजी में सुबह ही सुबह शपथ ग्रहण समारोह हुआ। लेकिन जो हुआ वो इसलिए नहीं कह सकते आप कि स्थाई सरकार देने के लिए हुआ, मेरा मानना यह है, क्योंकि जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ जो अभी हमारे पत्रकार महोदय साथी बता रहे थे जी। लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने के बावजूद भी दरबार खुला हुआ था। कब? आज राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और कल भी यह तीनों दल चले जाते पत्र लेकर के कि हम सरकार बनाना चाह रहे हैं, तो गवर्नर उसको वापस नहीं कर सकते थे। 17 दिन के अलावा और भी सारा समय था जो तीनों पार्टियों के पास था। ये आप आरोप प्रत्यारोप वाली बात है कि इसको 24 घंटे दिए, इसको 48 घंटे दिए, तो उसके बाद समय समय था ना आपके पास, या राष्ट्रपति शासन भी लग गया तो आप जाते आराम से। लेकिन आज तक भी सुप्रीम कोर्ट में तीनों पार्टियां गई हैं, किसी भी पार्टी ने, चाहे एनसीपी ने चाहे कांग्रेस ने, शिवसेना को समर्थन पत्र अभी भी नहीं सौंपा। और जो राज्यपाल महोदय ने जो डिसीजन लिया वो उस पत्र के आधार पर लिया, विधायक दल का नेता अजीत पवार को चुना गया और इसलिए चुना जाता है कि जो नेता होता है वो सारे डिसीजन लेने का उसको अधिकार होता है, चाहे उसने गलत तरीके से लिया हो, चाहे उसने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भरोसे में लिया हो या न लिया हो, ये पार्टी के भीतर का मामला है। लेकिन यह दूसरी पार्टी को समर्थन या बीजेपी को समर्थन दिया है तो उन्होंने विधायक दल के नेता के रूप में दिया था जी। उस आधार पर गवर्नर ने उपयोग किया, लेकिन थोड़ी सी गलती गवर्नर साहब की ये रही कि जिस तरीके से जल्दबाजी उठा पटक चल रही है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, आराम से वो डिसीजन लेते कहीं ना कहीं जल्दबाजी शैतान का काम होता है और शायद यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट तक पूरा मामला पहुंच गया है। परविंदर जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि अभी फिलहाल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला पहुंचा है, तमाम जो है कपिल सिब्बल ने जिस तरह से दलील रखी कि महाराष्ट्र में जो हुआ आज से पहले कभी नहीं देखा गया, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ है और अब कोई समय यहां पर नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन अब सबकी निगाहें कल 10:30 बजे पर टिकी हुई हैं कि आखिर जिन सभी पक्षों को तलब किया गया है कोर्ट का क्या फैसला यहां पर रहता है, क्योंकि कोर्ट ने भी कहा कि रविवार को आखिर क्या जरूरत पड़ी, हाई कोर्ट का यहां पर रुख किया जा सकता था, लेकिन क्या अब महाराष्ट्र का क्या करेगा कोर्ट और किसको लगेगी चोट? देखिए जो सबसे मूल बात यह, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां और जो राजनीतिक नेता हैं उनके किरदार के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है जी। क्योंकि जो जनादेश का जो अपमान करा है सारी पार्टियों ने सिर्फ पावर पॉलिटिक्स के लिए, ये शुरुआत से ही ऐसा हुआ है जी। अगर जी। मैं कहता हूँ पहले बीजेपी डिप्टी सीएम पे भी शिवसेना राजी थी तो अब तो उन्होंने डिप्टी सीएम भी दे दिया। अगर बाकी पार्टियों ने जिन, देखिए आम जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, बिल्कुल कर रही है, जो दो पार्टियां हैं जो आपस में आमने सामने एक दूसरे को की बदनामी करके चुनाव लड़ी हैं और चुनाव जीत के आई हैं, वो आपस में इकट्ठा उनका कॉलेशन हो गया, उनकी आपस में सांठगांठ हो गई है। पहले जितना भी होता था विचारधारा के आधार पर होता था, अब ये सत्ता के आधार के ऊपर जो इतना कुछ किया गया है और इसके बाद रातों रात देखिए प्रेसिडेंट रूल को लिफ्टिंग करी गई, मिसयूज ऑफ पावर पॉलिटिक्स जो ये साफ साफ नजर आता है, और उसके बाद आपने सुबह 7:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह भी कर लिया। क्या वहां के राज्यपाल को ये नहीं पता था कि जो अजीत पवार हैं वो अपनी पार्टी से दगा करके उन्होंने जो लेटर दिया है वो भी पूरी तरह से सही नहीं है। बिल्कुल।
तो ये सारी बातों को देखते हुए ऐसा लगता है जो पावर पॉलिटिक्स के इन्फ्लुएंस में आके राज्यपाल ने ये सारा कुछ किया है, और ये जनता जो है वो देख रही है कि जो कोई भी सरकार बनेगी मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दूर तक चल पाएगी। परमिंदर जी, आप किस आधार पर कहते हैं कि राज्यपाल ने लेटर को बगैर देखे गलत डिसीजन लिया? क्या विधायक दल के नेता का देखिए बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्या लेटर उन्होंने 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 56 विधायकों का लेटर दिया है, तो किसने, क्या उनकी अथॉरिटी नहीं है? क्या विधायक दल का नेता हो गया? वो अथॉरिटी कहां चले गई? विधायक कहां चले गए? तो अभी कहां चले गए विधायक? क्या उन्होंने विधायकों ने समर्थन? आप मेरे को एक बात बताइए, पार्टी प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है? पार्टी प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है? देना नहीं होता, विधायक दल विधायक चुनते, पार्टी का प्रेसिडेंट क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज भी विधायक दल के नेता भी अजीत पवार है, जब तक विधायक दल खुद इकट्ठे होकर दूसरा, अब उनको निकाल दिया गया है, वहां से हटा दिया गया है, उनको हटा दिया गया है। आपने इंफॉर्मेशन दी है तो शरद पवार ने किया, और ये मान भी नहीं है, जब तक दूसरा विधायक दल का नेता नहीं चुना जाएगा तब तक जी। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, राज्यपाल की ये भी जिम्मेवारी होती है कि जो भी उनके सम्मुख जो लेटर दिया गया है उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, वो पूरी तरह सेटिस्फाई हो तभी तो वोट दिलाई जाती है। ऑथेंटिसिटी के लिए क्या वो कांग्रेस, लेकिन रातों रात प्रेसिडेंट उनके घर जाके पूछेंगे? रातों रात आप बताइए दूसरी चीज, आप कहते हैं ऑथेंटिक गलत है, मैं तो चैलेंज करता हूँ, कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल रहे हैं जहां राज्यपाल ने खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई और दूसरी पार्टी नहीं, ये तो एक छोटा चोर हो गया, एक बड़ा चोर हो गया। करवा के देखिए आपका किरदार अपने लिए, अगर कांग्रेस पार्टी में गलत समर्थन पत्र देने तक तो आप उसकी प्लीज ले सकते हैं। एनसीपी और शिवसेना समर्थन पत्र आज तक देखिए, अगर अगर इनके पास समर्थन था आप करवा देते राज्यपाल के सामने, मतलब एमएलएस की परेड 2 मिनट में। आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने गलत करा, मैं भी गलत करूंगा, अपने एमएलएस की परेड करवा दी। आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत है, मैं भी गलत करूंगा, एनसीपी जानबूझ के कहीं ना कहीं कठपुतली की तरह इन दोनों पार्टियों को नचा रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी समझ रही है, बिल्कुल संदीप जी नचा रही है और आप ही लोग नाच रहे हैं। आप एनसीपी जिनके खिलाफ आप लड़ रहे थे और उसी को लेकर आप शिवसेना पर भी सवाल खड़े कर रहे थे, और अब आप वही कर रहे हैं, आप वही कर रहे हैं, और आपने किया, हमने क्या देखिए जनता के प्रति एनसीपी के विधायकों के साथ मिलकर ये तो आपने सरकार बनाने की कोशिश की जिससे बहुमत साबित करना है। अगर वो विचारधारा से सहमत होकर हमारे साथ आते हैं सरकार, ये तो शिवसेना ने किया, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि हमने उनकी विचारधारा अडॉप्ट नहीं की? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमने डिसाइड किया, चलिए ठीक है, राष्ट्रपति शासन की बात यहाँ पर की जा रही है कि रातों रात जो है पूरा घटनाक्रम तय किया गया और सुबह सवेरे जो है राष्ट्रपति शासन कैबिनेट बैठक के बाद इसको उठाया जा सकता है। इतनी जल्दबाजी क्यों? आखिर इतनी जल्दबाजी आपने पहले क्यों नहीं दिखाई जब एक महीना बीतने को जा रहा था? इसमें क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? अब भाई राज्यपाल के राइट्स हैं, वो रिकमेंडेशन पीएमओ से मांगता है, अगर अगर कैबिनेट ने उसको रिकमेंड कर दिया वो हटा सकता है, इसमें गलत कौन सा है? आप एक क्लॉज बता दीजिए। और जो इन्होंने चैलेंज किया है, क्या इन्होंने जो राज्यपाल ने डिसीजन लिया उसके निर्णय को चैलेंज किया है? इन्होंने उसको चैलेंज नहीं किया, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए गए हैं कोर्ट कि जो वन वीक का टाइम दिया गया है उसको बस रिड्यूस कर दो, इसके अलावा क्या इन्होंने दूसरा ऑब्जेक्शन उठाया? मतलब आपको रातों रात समझ में आया कि आपके पास बहुमत है, आपको पहले मौका दिया गया था सरकार बनाने का, जब आपने कहा कि बहुमत नहीं है हम नहीं बना सकते। देखिए हम शिवसेना की तरह इतनी देर, आपकी पार्टी भी तो वही कर रही थी, और रातों रात फिर इस तरह से चीजें, तो जाहिर तौर पर सवाल खड़े होते ना कि इतनी जल्दबाजी कैसे हो गई? और अब जो विधायक आपका समर्थन कर रहे थे वही विधायक अब शरद पवार के पास पहुंच गए, 50 का आंकड़ा उनके पास है। इसमें कुछ भी जल्दबाजी से नहीं हुआ, बस ये कि कुछ लोग जानबूझ के मीडिया में बयान बहादुर बनते हैं और कुछ लोग ग्रास रूट पे लेके काम करते हैं। हमने काम किया, हमने एनसीपी के जो विधायक हमारे समर्थन में जो नाराजगी थी उनको मिटाया और उन्होंने हमें समर्थन पत्र दिया। शिवसेना नहीं कर पाया, शिवसेना नहीं किया, अभी भी मैं कह रहा हूँ आप करवाइए राज्यपाल के सामने एमएलएस की परेड, दूध का दूध पानी का पानी हो जाइए। सभी दावा ठोक रहे हैं कि हम सही हैं और बहुमत हम पेश कर देंगे और सरकार बना देंगे, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र की जनता को सरकार नहीं मिल पाई है। और क्या ये जो दल गठबंधन कर सरकार बनाने का दावा ठोक रहे हैं, ये स्थायी सरकार दे पाएगी? आखिर वो जनता का जनादेश क्यों नहीं माना गया इन तमाम दलों की तरफ से, जिसकी वजह से आज जनता पिस रही है? विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास सब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में ठहरता हुआ था दिख रहा है। अभिषेक जी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि जिस तरह से यहां पर देखा जाए पूरा मामला जो है भटकता दिख रहा है, जनादेश जो है वो कुछ और कह रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो फिलहाल की स्थिति बनी हुई है आप लोगों की भी अहम भूमिका रही है इसमें, और आप लोगों ने ही नौबत लाई कि अब इस तरह की स्थिति बन गई। देखिए हमारी अहम भूमिका थी विपक्ष के नाते कि लोकतंत्र को बचाया जाए जी, हमें जनादेश विपक्ष में बैठने का मिला था, लेकिन जब बीजेपी ने वो भी चला गया। नहीं बीजेपी ने कह दिया, अभी तो स्थिति स्पष्ट नहीं है क्या होगा, बीजेपी ने कह दिया, अमित शाह जी ने कहा कि आप सरकार बना लीजिए हम नहीं बनाएंगे,
तो उसके बाद जो सबसे बेहतर विकल्प यही था कि तीन पार्टियां आके सरकार बनाए ताकि जनता के टैक्स का पैसा ना नुकसान हो। राष्ट्रपति शासन लगता तो पैसा तो नुकसान होना था जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक बीजेपी बात करी, जनादेश हमको मिला था, हमको मिला था, तो पिछले बार 2014 में इनको 122 सीटें आई थी, तो इस बार ये 17 सीटें कम क्यों हो गई, 105 क्यों हो गई, और दो विधानसभाएं ऐसी हैं जहां इनको नोटा तो ये दुख हो रहा उनकी सीटें कम नहीं, क्यों नहीं, हो गई? कम नहीं, हमें तो खुशी है कि उनकी सीटें कम हुई, हमें मौका मिलेगा, हम आगे जाएंगे जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच मौका में जाएंगे। तो मिल रहा था, लेकिन आप लोग तो बैठकों पे बैठके नहीं, जनता का जनादेश, जनता का जनादेश पूर्ण रूप से हमारे साथ नहीं था ना। देखिए कि किस तरह से अजीत पवार पार्टी को लेकर उड़ा गए। अजीत पवार को तो जो अमित शाह जी की पुराना ट्रिक रहा है कि वो हॉर्स ट्रेडिंग करके तोड़ते हैं, उन्होंने वो सारा मौका दे दिया। नहीं, हमने मौका बिल्कुल नहीं दिया, उन्होंने तो हॉर्स ट्रेडिंग करके एक रात में सब कुछ बना लिया अपना। और अजीत राज्यपाल की भूमिका, राज्यपाल की न होके एक आदेश पालन पालक की भूमिका बता रहे, लेकिन आप लोगों ने भी अपनी कोई भूमिका ढंग से निभाई नहीं। नहीं, हम तो भूमिका नहीं, मंथन चल रहा था नहीं, मंथन करना जरूरी है बिल्कुल, क्योंकि महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, 288 विधानसभा सीटें हैं वहां पे, और देश की आर्थिक राजधानी है, तो उसको हल्के में लेके ऐसा नहीं है कि वो क्रिकेट मैच हो रहा है 50 ओवर का और खट से खत्म हो गया 3 घंटे में। वो जनता के भाग्य का निर्णय है, राज्य इतने बड़े राज्य के भाग्य का निर्णय है, तो 2 दिन में नहीं हो सकता जी। और तीन अलग अलग पार्टियों को एक जगह आना था, तो वो बन ही रहा था, सारी चीजें हो ही रही थी, तब तक अजीत पवार विद्रोह कर दिए, वो चले गए, और राज्यपाल इतना इंतजार नहीं कर पाए कि वो अजीत पवार से ये पूछे कि भाई आप ये जो लेटर ले आए हैं ये बैठक कर सकते थे, क्योंकि शुक्रवार को ही तय हो गया था तीनों दलों की तरफ से कि उद्धव ठाकरे ही सीएम होंगे। बिल्कुल, तो सुबह जाना था, खबर पड़ी थी, लेकिन सुबह जाना था, 3 ही बजे सारा उलटफेर हो गया, 3 बजे रात को ही राष्ट्रपति शासन पता नहीं किस तरीके से हटा दिया गया, जबकि उसकी प्रक्रिया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजेंगे, राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर को बुलाएंगे, प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट की मीटिंग करेंगे। चलिए अब तो ये सुप्रीम कोर्ट में मामला, लेकिन वो जो 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 रूल नंबर, आप लोगों की तरफ से क्यों देरी हो रही थी, आप हमारे तरफ से देरी हुई ही कहां, इतनी देरी, तो जब विकास के पथ पर आप चलते तीनों दलों मिलकर, तो क्या लगता कि विकास कर पाते आप, जब सरकार बनाने में, मंत्री बनाने में आप लोगों को इतनी सहमति बनाने में देरी लगी, विकास कैसे कर पाते आप महाराष्ट्र? नहीं, मंत्री बनाने की बात नहीं थी वहां, एक स्थिर सरकार बनाने की बात थी, पहले सरकार बनती बाद में मंत्री बनते, वो बात का इशू था, वो तो सरकार ही नहीं बना पा रहे थे ना। नहीं, सरकार बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, सुबह उद्धव ठाकरे जी समर्थन पत्र लेकर जाने वाले थे, तो उसके बीच में ही 3 बजे पता नहीं कब राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया। और जिस रूल नंबर 12 का जिक्र रविशंकर प्रसाद जी ने किया है, उसमें साफ साफ लिखा है कि प्रधानमंत्री को अधिकार तब है जब एक्सट्रीम इमरजेंसी हो या अनफोर्सिन कंटीजेंसी हो, मतलब ऐसे संकट जिसकी कल्पना न की जाए, ऐसा तो कुछ संकट था नहीं, तो उन्होंने मतलब जानबूझ के, उनको मालूम था कि कल सरकार बन जाएगी, बनेगी उसके पहले ही पूरा तोड़फोड़ मचा दो, और इसमें तो वो माहिर है, इसके पहले कर ही चुके हैं, अब कर रहे हैं, अब कल कोर्ट का फैसला आएगा, तो मुझे लगता है कि वहां से हमें न्याय की उम्मीद है, कोर्ट न्याय के पक्ष में फैसला देगा। चलिए संदीप जी, आपके पार्टी से सिर्फ आज यही रिएक्शन सामने आ रहा है कि बहुमत है और जब फ्लोर टेस्ट होगा तो हम उसे पास कर लेंगे बहुमत के हिसाब से। बहुमत कैसे साबित करेंगे आप, क्योंकि 50 का आंकड़ा जो नंबर गेम है वो तो पवार जी के पास है अभी तक फिलहाल। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि ये हमारा इंटरनल हालांकि डिस्कशन का मैटर है जो हम फ्लोर टेस्ट के पहले क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको 100% सहमत। लेकिन ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि कल तक जो आपके साथ थे वो आज भी हमारे साथ हैं, आप बताइए उन्होंने क्या दूसरे के समर्थन में लेटर दे दिया या दूसरे के समर्थन, लेकिन उनकी बैठक में तो शामिल है, उनके पास है, तो क्या बैठक में उन विधायकों ने ये कहा कि हम फडणवीस जी का समर्थन नहीं कर रहे हैं? आप बताइए, क्या शरद पवार ने उनसे लेटर साइन करवाया कि हम शिवसेना के साथ समर्थन में जा रहे हैं? आप लोगों के साथ मौजूदगी ना आना और आपकी तरफ से कोई ऐसा रिएक्शन ना आना, जो एक्टिव अभी फिलहाल तीनों दल दिख रहे हैं विधायकों को लेकर, जिस तरह से अभी आपकी पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया है आज, जो कल दिख रहे थे आप लोग, ये सिर्फ एक्टिव इसलिए दिख रहे हैं कि इनकी जो महाराष्ट्र की जनता के सामने फजीयत हुई है, जो कट्टर हिंदुत्व की बात करते थे, वो जो जहां बाला साहब कहते थे कि 10 जनपद वही जाके झुकेगा जो सबसे कमजोर हो, आज क्या हालत है शिवसेना की, जहां सोनिया गांधी जी कहती थी हम कट्टर हिंदुत्ववाद के विरोधी हैं, आज क्या कांग्रेस की हालत है, आज कट्टर हिंदुत्ववाद के आगे पीछे घूम रहे हैं। ये सिर्फ अपनी फजीहत जो जनता के सामने हुई है और जनता के सामने जो बेनकाब हुए हैं उसको बचाने के लिए नूरा कुश्ती हो रही है, और अभी भी इनके पास मौका है, एक मिनट में लूंगा,
अभी भी इनके पास मौका है रिजल्ट डिक्लेयर होने से लेके आज तक एक भी तीनों में दलों में से मैं जो दल बता दे कि इन्होंने एक व्यक्ति के समर्थन में लेटर साइन किए हो, समर्थन पत्र दिए हो, या आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, छोड़िए आप राज्यपाल को, आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने विधायकों की परेड करवा दीजिए कि ये हमारे विधायक है, ये हमारा बहुमत है और सरकार बनाने का हमें मौका दिया जाए। हम चैलेंज करते हैं कोर्ट आपकी सरकार बनवाएगा। देखिए जो चैलेंज आपको करना है, आपने लेटर शिवसेना को दिया, बताइए आप नहीं, अगर उद्धव ठाकरे समर्थन पत्र देने जा रहे थे, आपने लेटर दिया शिवसेना को, चिल्ला के लोग आपने शिवसेना को लेटर दिया, आप ये बताइए, अरे आवाज तो आपकी जनता दबा रही है, हमें दबाने की जरूरत नहीं है, आप बताइए, आप लेटर आपने दिया, यही काम आप सरकार में रह के कर रहे हैं, यही काम आप स्टूडियो में आके कर रहे हैं, आपने हमने तो दिया है, नहीं आप कोर्ट में कल दे दीजिएगा, आप कोर्ट को भी देंगे, कोर्ट को भी देंगे, राज्यपाल को भी देंगे, हमने सरकार को दिया है, कोर्ट को भी देंगे, कल आप कोर्ट में कल लेटर दे दीजिएगा, इसका जो आपके जो अजीत पवार जी ने आपको समर्थन दिया है, तो क्या विधायकों का आपकी सरकार बन जाएगी, क्या राज्यपाल ने बगैर लेटर देखे हमें मौका दे दिया, दो तीन प्रश्न हमारा अगर नहीं, और आप राज्यपाल के राजपाल की विश्वसनीयता पर चैलेंज कर रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क लग गया सर, बिल्कुल बिल्कुल राज्यपाल की विश्वसनीयता पे लगा हुआ है, रातों रात प्रोसीजरल रेमेडी हो गया, पता नहीं है सवेरे 7:30 बजे हमने को देखा नहीं है, आप बताइए क्या आपने राज्यपाल की भूमिका किया, आप बताइए आपने राज्यपाल की कौन सी भूमिका, अच्छा आप बीजेपी के आप बताइए आपने राज्यपाल की, आप जनरल बातों को चैलेंज किया, आत्मा के ऊपर हाथ रख के बोलिए ये गलत हुआ या सही हुआ, हम तो आप हाथ देखिए देखिए हाथ रख के आपके सही गलत का फैसला तो कल कोर्ट में होगा, जब संदीप जी आपकी पार्टी वो पत्र रखेगी जिसके आधार पर ये पूरा तेजी से घटनाक्रम महाराष्ट्र का बदला। संजय जी मैं आपके पास आ रही हूँ, आपसे जानना चाह रही हूँ, जो सत्ता पाने के लिए, मंजिल पाने के लिए आपने नई डगर पकड़ी और कहीं ना कहीं पहले ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ये नई डगर पकड़ना मुश्किल ना खड़ी कर दे, और वही हो रहा है अभी फिलहाल आप लोगों के साथ। तो क्यों अपनी विपरीत विचारधारा वाले लोगों के साथ चले गए आप? अरे संजय जी उस विधायक से पूछिए जिसने हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगे, आज उद्धव की वजह से क्षेत्र में नहीं जा पा रहा है, क्या पूछना आपने उस विधायक की जनता को जवाब देना, क्योंकि आप भी वही राह पर चल रहे हैं, वैसे स्टूडियो में भी आवाज दबाई जा रही है, अब जनता आपका गला घोट रहे हैं, सरकार चले नहीं, 10 जनपद नहीं, यहाँ तो सरकार ना, संजय जी को बोलने तो दीजिए, संदीप जी सुन तो लीजिए आप, चलिए जनता तो आवाज घोट रही है, आप क्यों घोट रहे हैं यहाँ पर, संजय जी को सुन तो लें, वो क्या कहना चाह रहे हैं। जी संजय जी कहिए, जिसके लिए भनवाड़ी जी कह रहे थे कि चक्की अरे तो क्या फडणवीस को सजा देनी है या इंक्वायरी फडणवीस जी को करनी है, कोर्ट इंक्वायरी करेगा कौन, किसने क्या किया है, आप उसमें फडणवीस जी का क्या लेना देना, देखिए फिर उनको बोलने नहीं देना, अरे तो जब गलत बात करेंगे, जब तथ्यों से भटकेंगे, जब गुमराह करने की बात करेंगे तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा, नहीं नहीं करेक्ट आप बिल्कुल करेक्ट है, क्या इंक्वायरी सीएम करता है, आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करके भी करेक्ट है, लोग कॉन्स्टिट्यूशनल से भी इनकरेक्ट है, कुछ ही नहीं किया, और धारा 370 इसका सबसे बड़ा एग्जांपल था, कैसे काली रात में काले कारनामे किए, देखिए बहस महाराष्ट्र हो रही है, कैसे 370 पे ले गए, अभी अभी कुछ देर में मंदिर मस्जिद पे ले जाएंगे, चोर सरकार बना रहे हैं, चोर सरकार नहीं आती है, आप लोगों ने भी तो वही काम किया, जनता की टेंशन थी, चिंता थी, तो आप बैठ के बात कर लेते, आप थोड़ा पीछे हट जाते, लेकिन आप तो अड़े रहे कि ढाई साल 2014 में संजय जी बाला साहेब ठाकरे जिन्होंने हिंदुत्ववादी विचारधारा को अपनाया और उसी के आधार पर सत्ता भाई होने और लोगों के बीच में बैठ बनाई संजय जी, और उन्हीं की विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज करना शायद आपको भारी पड़ रहा है आज। महायुति का सीएम कैंडिडेट कौन था जरा बता दीजिए, जिसके समर्थन में आप वोट मांग रहे थे, वोट शिवसेना को नहीं महायुति को मिला था, और देवेंद्र फडणवीस
जी को मिला था, याद रखिए। संदीप जी इतना आप उत्तेजित हो रहे हैं, आप लोगों ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है जनता को ठगने में। इस टाइम जो जनता है, जनादेश को जिस तरह से आप लोगों ने ठुकराया है, नहीं आप कह रहे हैं कि बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे वो चाहते थे कि आप शिवसेना के साथ जाएं और जनता के हित में काम करें, लेकिन आप लोग भी कुछ कम नहीं है, आप भी उसी राह पर चल रहे हैं जो शिवसेना चल रही थी। प्रेम कुमार जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरह से फिलहाल ये स्थिति बनी हुई है, और अब अरे तो झूठे हैं नहीं आप, नहीं बताइए क्या फडणवीस जी ने गलत कहा जब उद्धव ठाकरे के सामने प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि महाराष्ट्र का महायुति का सीएम देवेंद्र फडणवीस होगा, तो भाई क्यों साथ साथ बैठे रहे? जब सीएम सीटों का बंटवारा हो रहा था तो क्यों कम सीटों पर समझौता किया? 2014 में करके देख तो लिया था, क्यों वापस आए थे भाजपा में? याद रखिए, शिवसेना से आज महाराष्ट्र की जनता का विश्वास उठ चुका है, इसीलिए आप छोटे भाई से अब जीरो पे पहुंचने वाले हैं। महाराष्ट्र में भाजपा को पैर जमाने की जगह शिवसेना ने दी हो, भाजपा कहती थी बड़ा भाई है, आज कोई जगह नहीं देती है, जगह जनता के दल में बनाई जाती है। गलत फहमी मत रहना, हाँ जिन क्षेत्रीय दलों को आपने ध्रुवीकरण के लिए पैदा किया वो आपको खा गए, बड़े भाई को आज सपा जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां चरित्र है उन्होंने कांग्रेस को अवसर आया, तो बड़े भाई को भी छोटा भाई बना दो और उसको हैसियत लगो। बड़े भाई छोटे भाई की लड़ाई तो जरूर लोगों के बीच में रही, और यही अहंकार आप लोगों को कहीं ना कहीं जनता को ठग गए आपका यह अहंकार, और सत्ता का वो ही आप लोगों ने दिखा है, कोई जनता के बारे में नहीं सोच रहा। प्रेम कुमार जी महाराष्ट्र में कोई जानता नहीं था इसलिए वो बड़े भाई थे। आपको कितना महाराष्ट्र में आज जान रहे हैं? प्रेम कुमार जी घर में बैठे रहते हैं, आपके युवराज को इटली और थाईलैंड और बैंकॉक से फुर्सत नहीं है। जनता के बीच में जाइए, जनता ने चुना है, अभिषेक जी आप दोनों से ही मैं सवाल करती हूँ, आप लोग कैसे जाएंगे जनता के बीच, किस मुंह से जाएंगे? जिन पार्टियों के खिलाफ आप लड़ रहे थे उन्हीं पार्टियों के साथ आप मिलकर सरकार बना रहे, किस मुंह से जाएंगे? दोनों ही पार्टियों से पूछ रही हूँ मैं, आपसे भी और अभिषेक जी से। हमारा गठबंधन तो एनसीपी के साथ था, तो शिवसेना के साथ तो जा रहे हैं ना? अभी हमारा गठबंधन शिवसेना के हमारे तरफ से शरद पवार जी बात कर रहे हैं, शरद पवार जी बात कर रहे थे शिवसेना से, हमारा गठबंधन एनसीपी के साथ था, है और उम्मीद है कि रहेगा भी। प्रेम कुमार जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि फिलहाल जो स्थिति तमाम दलों के बीच बन रही है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट उन्होंने रुख किया है, कल क्या रहता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर इन दोनों दलों में से कोई भी जो सरकार बनाता है, क्या स्थिर सरकार दे पाएगा महाराष्ट्र की जनता को? देखिए, अभी तो हमारे सामने सबसे पहला सवाल यह है कि इस हफ्ते क्या होने वाला है, राजनीतिक रूप से क्या घटना घटने वाली, कौन सी सरकार बनने वाली है। सरकार बनेगी तब तो उसके टिकने का सवाल पैदा होगा, ये बात है। तो अभी जो सरकारें बन रही हैं, आप उसमें एक चीज देखिए कि न तो सुप्रीम कोर्ट में कोई डिसीजन आने वाला है और न ऐसा है कि कल कुछ फाइनल हो जाएगा, असल फैसला फ्लोर पर ही होना है, और मूल रूप से जिसके पास संख्या होगी सरकार वही बनाएगी, मूल बात यही है। अब है कि अगर कांग्रेस एनसीपी शिवसेना को लगता है कि एक गलत कुछ हो रहा है, बीजेपी गलत कर रही है, उनको तोड़ने फोड़ने का प्रयास कर रही है, तो उनके पास पर्याप्त समय है कि वो अपने आप को बचाएं। आप देखेंगे शिवसेना ने अपने विधायकों को रिजोर्ट में रखा था, कांग्रेस ने अपने विधायक को रिजोर्ट में रखा था, ये दोनों के विधायक तो नहीं टूटे, और एनसीपी कॉन्फिडेंट थी कि हमें तो कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन वो टूट रही थी या टूटेगी या नहीं उसी पर सबसे पहले हाथ डाला गया है। अब एनसीपी ने भी अपने विधायकों को रिजोर्ट में रख दिया है। ये देखिए ताजा तस्वीर सामने आ रही है, बीजेपी दफ्तर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस बीजेपी दफ्तर पहुंचे, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गहमा गहमी जो है वो लगातार महाराष्ट्र में बनी हुई है, और सत्ता का मोह जो है तमाम दलों के सर चढ़कर बोल रहा है, विधायकों को कोई बंद करके रख रहा है तो कोई विधायकों की हौसला अफजाई करने के लिए बैठक कर रहा है। बिल्कुल संदीप जी, उद्धव ठाकरे के नाम पर जब सहमति इन तीनों दलों की बन गई और यह भी अनाउंस कर दिया गया कि कल तीनों दल बैठकर जो है साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सीएम जो है उद्धव ठाकरे होंगे, फिर अचानक से यह फैसला, अचानक से यह समीकरण बदल दिया, तस्वीर कुछ और ही आप लोगों ने दिखा दी, क्यों जरूरत पड़ी इसकी? देखिए, इस तरह की आवाजें जब आदित्य ठाकरे राज्यपाल से मिलने गए थे और कह के गए थे कि हम समर्थन पत्र लेके जा रहे हैं, तब भी इस तरह की बातें उठी थी। क्या आज तक एनसीपी ने और कांग्रेस ने ये माना कि हम उद्धव ठाकरे को सीएम के तौर पे हमने समर्थन पत्र दे दिया है? नहीं दिया। दूसरी चीज,
जिस तरीके से एनसीपी ने एक जानबूझ के एक ड्रामा क्रिएट किया कि हमने विधायक दल से अजीत पवार को हटा दिया है, क्या उन्होंने जो उपस्थित विधायक थे उनके बीच में नया विधायक दल का नेता चुना, या क्या आज भी उनके विधायक दल का कोई दूसरा नेता चुना गया? गया तब डिसीजन हुआ संदीप जी, कौन बना डायरेक्ट कर लीजिए, विधायक दल का नेता चुन लिया गया, मतलब उसके बाद बिना पूरे विधायकों की संख्या के आप कोई नेता चुन लेंगे? 51 विधायक मौजूद थे, अपडेट हो जाइए, पूरे विधायक थे, दो तिहाई विधायक होने चाहिए। दूसरी चीज, क्या अभी तक समर्थन पत्र है? दूसरी चीज, तो बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूं, कांग्रेस के शासनकाल में ऐसा कई बार क्षेत्रीय दलों को करना पड़ा कि जब इन्होंने संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई और कहीं ना कहीं संविधान में साम दाम दंड भेद हॉर्स ट्रेडिंग या जो कुछ हो सकता था वो सब किया। कहीं ना कहीं समीकरण फिलहाल बन रहे हैं 50 का आंकड़ा, शरद पवार के उस डैमेज को छुपाने की कोशिश इस मुस्कुराहट की आड़ में। देखिए, मेरा मानना है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जो अपेक्षा है कि कल सुनवाई होगी, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक दो दिन में ही बहुमत साबित करने की जरूरत आन पड़े, तो इसके लिए एनर्जाइज रखना विधायकों को बहुत जरूरी है। तो आप देखेंगे दोनों खेमे में ये चीजें चल रही हैं, उद्धव ठाकरे, शरद पवार सब लोग विधायकों से मिल रहे हैं और स्थानीय कांग्रेस नेता भी मिल रहे हैं अपने विधायकों से, कांग्रेस के विधायकों से भी वो लोग मिल रहे हैं, तो इस हिसाब से इधर से कोई एक्टिविटीज नहीं दिख रही थी। तो अब देवेंद्र फडणवीस भी अपने विधायकों को मॉरल बुस्टअप के लिए आए हैं, जाहिर है कि वो बताएंगे, निश्चित रूप से उनका मनोबल बढ़ाएंगे कि हमारी जो रणनीति है हम अपनी रणनीति में कामयाब होंगे और वो बहुमत साबित करेंगे, ऐसा भरोसा वो दिला रहे होंगे। और ये ऐसा भरोसा दिलाने के लिए मुस्कुराता हुआ चेहरा ही जरूरी है, अगर गमगीन चेहरा लेकर जाएंगे तो पहले ही बाजी हार चुके रहेंगे, तो ये मुझे लगता है इसकी वजह। बिल्कुल बिल्कुल, ठंडा करके कहीं ना कहीं खाने की खूबी भी जरूर बीजेपी में यहाँ पर रही है। सुनील जी, कि जिस तरह से यहाँ पर अभिषेक जी को भी हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं मौका मिले तभी हम चीजें कर पाए, लेकिन आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के अंदर क्या सब कुछ सही चल रहा है, क्या सहमति है उन तमाम चीजों को लेकर? और सहमति ही नहीं थी शायद ये नौबत यहाँ तक पहुंच गई। देखो, कांग्रेस के नेताओं ने जब प्रधानमंत्री से मिलकर शरद जी का कार्यक्रम था, उसके बाद कई कांग्रेस के नेताओं का ट्वीट आया और उसमें एक वरिष्ठ नेता ने ये कहा कि गंगा जल में खड़े होकर के भी शरद जी कुछ कहेंगे तब भी हमें भरोसा नहीं है। तो ये बातें, दूसरी संजय राउत जब मिलकर आए शरद जी से तो उन्होंने कहा इनको समझने के लिए 100 जन्म लेने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं भूमिका एनसीपी की तरफ घूम रही थी। और कभी एनसीपी कहती है कि कांग्रेस इस पर निर्णय लेगी, कांग्रेस कह रहे हैं एनसीपी निर्णय लेगी, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को ऊपर टार रहे थे, लेकिन भरोसा किसी को नहीं था। और ये एनसीपी और कांग्रेस के बीच की कहानी थी कि वास्तव में हकीकत में सामने आगे कौन आए। कहीं ना कहीं ये दिख रहा था स्थिति का जो निर्णय लिया जाएगा, क्या शरद जी वहाँ मजबूत होंगे, या कांग्रेस को ये भी इसका बात का भी डर था कि सरकार बनती है और सरकार में हम लोग सम्मिलित होते हैं छोटे भाई के रूप में। जिस तरीके से पहले एक उप मुख्यमंत्री का आया तो एनसीपी मानने को तैयार हो गई, फिर कांग्रेस से आया कि उप मुख्यमंत्री हमारा भी होगा, फिर कैबिनेट मंत्री की बात आई तो कांग्रेस को देने के आया कि 12 कैबिनेट मंत्री होंगे, फिर बाद में आया कि नहीं तीनों पार्टियाँ 14-14 करके लेगी। तो ये सब जो चल रहा था वो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति थी कि सारा कुछ पहले से ही तय कर देना चाहते थे। और ये स्थिति जब आती है जब एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं होता है। और सारी चीजें क्या है, शिवसेना बीजेपी से भी मांग रही थी शुरू में कि 2.5 साल का वो रिटर्न में दे, वैसे मौखिक को मानने को तैयार नहीं थी, बोले कि ये बीजेपी कमिटमेंट रिटर्न में करे। वही एनसीपी और कांग्रेस की तरफ पे भी यही स्थिति कि सारा कुछ लिखा पढ़ी में हो। और फिर दो तरीके की कमेटी बनी, एक तो सुपरविजन के लिए कमेटी स्टेट लेवल पे होगी और उससे भी ऊपर बात बिगड़ती है तो एक नेशनल लेवल पे कमेटी होगी, जो पहली बार कहीं देखा गया। तो ये सारी स्थिति कहां आई, ये आती जब है जब एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं होता है। दूसरा, अभी शिवसेना के संजय द्विवेदी जी कह रहे थे कि उन्होंने कहा चक्की पिसिंग, शिवसेना के द्विवेदी जी को पता होना चाहिए कि जब ये देवेंद्र जी कह रहे थे तो उस मंच पे उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। जरा पूरा वीडियो आप उसको देखेंगे तो उद्धव ठाकरे के सामने ये कहा, और जब उद्धव जी वहां मौजूद है तो आप अजीत पवार से समर्थन ले सकते हैं एनसीपी से, बीजेपी लेगी तो इनको देखेगा चक्की पिसिंग। दूसरा, कांग्रेस के नेता कह रहे थे अभी इस पर बैठ के कि साहब छोटा भाई या बड़ा भाई किसने हाथ पकड़ा, ये उत्तर प्रदेश में कांग्रेस देख ले कि कांग्रेस ने ही बसपा सपा और अन्य राजनीतिक दलों का हाथ पकड़ा था और कांग्रेस कहां चली गई, अब आज कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो ये राजनीति में नहीं होता कभी कि आपने किसका हाथ पकड़ा है, किसको जमाया है। वर्तमान परिस्थिति में जिसके पास बहुमत है, जनता ने जिसको वोट किया है, वो निर्णय लेने का अधिकार होता है। क्रिकेट और राजनीति में सब कुछ जायज है। नितिन गडकरी भी कहीं ना कहीं कह रहे थे साफ तौर पर, शायद वो उसी राह पर चल भी रहे हैं। अभिषेक जी, 54 एमएलए का आप दावा ठोक रहे हैं, और मैं संजय जी आपसे भी यही पूछना चाह रही हूँ कि 154 एमएलए का जो दावा आप लोगों की तरफ से ठोका जा रहा है बहुमत के
के लिए, क्या ये जो दावा आप ठोक रहे हैं इसका कोई आधार है? विश्वास है अपने विधायकों पर? चलिए संजय जी की सुन लेते हैं, अभिषेक जी। बिल्कुल तभी आप लोगों की तरफ से आधार कार्ड कपड़े लेकर बुलाया जाता है विधायकों पर, भरोसा है? फिर उसी पर सवाल अरे आपको रात और दिन सब मिले थे तब भी आप साबित कर पाए और हमने 12 घंटे में कर दिया तो आपको दर्द हो रहा है? वही नीति बनने वाली है। आज 54 विधायक हमारे साथ में है तो आप 50 चलिए वो तो कल पता चलेगा कि कितने विधायक साथ में हैं, क्या दावा जो आप पे ठोका जा रहा है वो सच्चाई उसमें कितनी है। शायद यही वजह है कि सहमति नहीं बनी और नौबत यहाँ तक पहुँच गई। अभिषेक जी आप कितना मजबूती देखते हैं अपने विधायकों में, होटल में रखने की जरूरत पड़ रही है अपने विधायकों को? देखिए उनको एक जगह रखना है तो एक ऐसे जगह पर, एक जगह विश्वास नहीं है विधायकों पे? बिल्कुल विश्वास है विधायकों पे। और अभी आपने सुनिए जी को भी सुना, कहीं ना कहीं भरोसे की ही कमी है? नहीं नहीं, भरोसे की कमी हमें अपने विधायकों पर पूरा भरोसा है, फिर भी होटल में रख रहे हैं। अमित शाह जी की जो हॉर्स ट्रेडिंग की स्किल है उसको देखते हुए, तो यानी कि अमित शाह जी जो स्ट्रेटजी अपनाएंगे विधायक उसमें आ जाएंगे? देखिए आप जब टिकट बेचोगे तो आपके विधायक भी बिकेंगे, इसका मतलब आपने खुद टिकट बेचे हैं तभी तो आपको विधायक पे भरोसा नहीं है। अगर एक कार्यकर्ता को अगर आपने दिया होता तो आज आपको खुद ही कह रहे हैं कि ये बेचने और संदीप जी सुन लीजिए, मौका दे दीजिए, मौका दे दीजिए इनका जी। अभिषेक जी राजनीतिक चरित्र है, बेचना खरीदना आ गए, चरित्र तो कौन किसका करता है, जनता के सामने समाज और जितना जिसका चरित्र जनता उतना ही उसका शेयर दे रही है। आपके शेयर को देख के आपका चरित्र जनता के सामने क्लियर हो रहा है, तो जनता देख ही रही है कि किसका राजनीति बहुत अच्छे से जनता समझ सिखा रही है। जनता तो सब देख रही है और जनता अपने आप को अभी फिलहाल तो ठगा हुआ महसूस कर रही है। और इन लोगों के प्रविंदर जी इससे डरावना क्या हो सकता है कि विधायकों को नेताओं को होटल में बंद रखने की जरूरत पड़ रही है? क्या अभी फिलहाल जो स्थिति है वो फिर से चुनाव की ओर, महाराष्ट्र की जनता फिर से चुनाव की ओर बढ़ती दिख रही है? देखिए जो विधायकों को होटल में रखने की प्रतिक्रिया है ये एक आम बात है, ये आज से नहीं बीसियों साल से चल रही है कि जब भी हॉर्स ट्रेडिंग होती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब इनका देखिए शिवसेना के साथ जब इनका अलायंस हुआ तो इनकी वो भी बड़ी जल्दबाजी में हुआ, क्योंकि जब इनकी विचारधारा तो थी नहीं लेकिन एक दूसरे की जरूरत थी, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, वो कह रहे शिवसेना का सीएम होगा, ये कह रहे जी फडणवीस होगा, लेकिन किसी ने एक दूसरे को क्वेश्चन नहीं करा कि भी आप फडणवीस कह रहे हो, आप शिवसेना कह रहे हो, आपने भी नहीं करा, उन्होंने भी नहीं करा। दूसरी बात, आपको एक चीज में क्लियर बता, एक बात मेरी बात पूरी होने दीजिए, पहले 10 बार उद्धव ठाकरे के सामने ये बात कही गई कि और उद्धव ठाकरे ने इलेक्शन के पहले किसी भी मंच से कहा हो कि सीएम हमारा होगा और ये सीएम होगा, तो हमें बता दीजिए सीएम शिव सैनिक का होगा? चलो मैं एक बात कर रहा हूँ, कब कहा बता दीजिए आगे की। प्रधानमंत्री जी ने उद्धव ठाकरे के सामने कहा कि अगला सीएम जो होगा वो देवेंद्र फडणवीस होंगे। आप आगे की बात सुनिए, आप 54 का आंकड़ा एनसीपी का दे रहे हो, उसमें आप शरद पवार जी को भी ले रहे हो, 54 तो टोटल सही होती अगर 50-50 फॉर्मूले पर सहमति हो जाती तब भी देवेंद्र फडणवीस सीएम हो सकते थे, इसमें गलत कहाँ है? असल विवाद जो है 50-50 को लेके है ना, कि हमारा भी मुख्यमंत्री है, उस पर क्लैरिटी नहीं। आप जो अपनी आज गिनती बता रहे हो उसमें एनसीपी का 54 विधायक बता रहे हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि उसमें अगर आपकी जो सेटिंग है वो कांग्रेस के विधायक भी टूटेंगे, एनसीपी के विधायक भी टूटेंगे, ये जो पिटारा है ये बाद में खुलेगा कि किसको। देखिए पूरे के पूरे विधायक फडणवीस जी के पक्ष में वोटिंग करेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और चैलेंज करता हूँ, आप एक लेटर दिखा दीजिए शरद पवार का एनसीपी का। अरे छोड़िए सब, आपके नेता कहते हैं शरद पवार का है तो हमें भरोसा नहीं है, और यहाँ एक आदमी कह रहा है कि हमें शरद पवार पे पूरा भरोसा है, क्या उस नेता से बड़े नेता है आप? नहीं, क्या आपके जो बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि शरद पवार पे हमें भरोसा नहीं है, उससे बड़ा क्या वो सब नेता? नहीं, आपका व्यक्ति
विचार पार्टी नहीं है। आप पार्टी के 10 जनपद कितना है जो आपने कह दिया वही सही है। अरे बड़े नेताओं के, अरे बड़े नेताओं के बयानों को पढ़िए। सर ये आप लोगों का तो किया जा रहा है, ये आप लोगों का किया जा रहा है। शुक्रवार तक ये तीनों दल साथ थे और उद्धव ठाकरे के नाम पर सहमति बन गई थी। संदीप जी आपकी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है कि आज शिवसेना के जो नेता संजय राउत वो कह रहे हैं कि कोई बड़ा नेता नहीं है शरद पवार, भरोसे की जिसकी बात करें, कहीं ना कहीं आप लोगों की स्ट्रेटेजी और आ गए ये लोग। नहीं जी देखिए मैं एक चीज बता दूं, शिवसेना कांग्रेस अभी भी इस चीज को लेके उन्हें पता नहीं है कि एनसीपी उनके साथ आएगी या नहीं आएगी। एनसीपी के सारे विधायक देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लगाएंगे, किस मुंह से जाएंगे? जनादेश आप समझ रहे, जनादेश किसके उसमें आया था? सरकार बनाने को लेकर अकेले नहीं मिला था आपको, शिवसेना के साथ में पत्र कॉन्स्टिट्यूशनली विधायक दल के नेता के साइन किया हुआ सबमिट किया और फ्लोर ट्रस्ट में इन सभी विधायकों का वोट हम, हमारी ड्यूटी है, हम डलवाएंगे अपने फेवर में और एनसीपी की सहमत से शरद पवार के इशारों पे सुनना हुआ वोट आएगा। और दूसरी चीज केवल एनसीपी नहीं, निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन हमारे साथ है और कोई बड़ी चीज नहीं है। फ्लोर टेस्ट में शिवसेना के दो फाड़ हो जाए, चलिए फ्लोर टेस्ट में आपकी जीत होगी या उन दलों की जीत होगी जो दिखा दीजिए कि आपको समर्थन। देखिए चर्चा तो यूं ही जारी रहेगी, बहस किसने आपने दिखाया जाएगा? अरे आपके पास आपने लेटर आज तक साइन किया है, अब आप ये मान लीजिए कि राज्यपाल बीजेपी। चलिए अभिषेक जी कल तक का वक्त है, कल तक का वक्त है, 10:30 बजे सभी को इंतजार रहेगा, 10:30 बजे सभी को इंतजार रहेगा कि क्या वाकई केंद्र के निर्देश पर चल रहे थे राज्यपाल कोश्यारी जी, क्या वो जो पत्र रखा जाएगा उस पत्र के बाद ये तमाम जो सवाल उठ रहे हैं उससे पर्दा उठ पाएगा या नहीं। देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस इससे ज्यादा लोकतंत्र का मजाक नहीं हो सकता। बीजेपी को शिकस्त देने के लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस वोट आएगा उसमें हम तीनों पार्टी साथ हैं। विधानसभा के पटल पे हारेगी,